आपका एक न्यू चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मशीन आवर रेट। इसका किसी भी चैप्टर से, चाहे कॉस्ट शीट हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट, कोई लेना देना नहीं है। ये हर चैप्टर से अलग है। जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास भी है ना इस चैप्टर में, उसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बस थोड़ा बेसिक टर्म्स उसे पता होना चाहिए, लाइक, ठीक है ना। अब मशीन आवर रेट हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसके चॉइस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसके चॉइस में आता है ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट। इसके बाद जो मैं चैप्टर करवाऊंगा ना, वो मैं ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट का ही चैप्टर करवाऊंगा, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए ये दोनों चॉइस में देते हैं। आपके बुक में अलग चैप्टर है बल्कि ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट के नाम से, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है। मशीन आवर रेट आपके बुक में कहाँ मिलेगा? ओवरहेड, आपके दो टॉपिक है, जर्नल ओवरहेड एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जर्नल ओवरहेड बुक में दे रखा है ना आपके, वो थ्योरी का पार्ट है मैक्सिमम, और जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन तो आपके हैं और कुछ टॉपिक के बाद, जैसे मैं बुक में बता देता हूँ क्वेश्चन करेंगे जब हम, तो ये ओवरहेड का ही पार्ट है। ओवरहेड को अगर आप एक चैप्टर मान के पूरा करोगे ना, तो थोड़ी सी मैंने देखा है बच्चों को दिक्कत होती है उसमें। और इसके सारे क्वेश्चन ना सेपरेट करे हुए हैं ओवरहेड चैप्टर में। तो अगर मैं ओवरहेड के अंदर बात करूं, तो ओवरहेड के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मशीन आवर रेट के हैं। प्रोग्राम में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सारे मशीन आवर रेट है। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन भी देखोगे ना, तो एक स्पेसिफिक कैटेगराइज कर दिया गया, उसके आगे सारा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मशीन आवर रेट का है। तो आपको इसमें चिंता नहीं करना, मैं सब पेज नंबर बताऊंगा, कहां पे बुक में है नहीं है वो सब मैं बताऊंगा। आप सिर्फ फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट पे। इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं हम, मशीन आवर रेट में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना। अगर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड की बात करता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड की, तो यहां पे खर्चे डलते हैं सारे फैक्ट्री में होने वाले। तो फैक्ट्री में एक लेबर का भी एक्सपेंस होता है, और कॉस्टिंग के अंदर ना हम हर एक कंपोनेंट्स का कॉस्टिंग निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास मार्कर है, तो इस कैप का क्या कॉस्टिंग है, और इनफैक्ट हम ये भी निकालेंगे कि इस पे लेबर कितना लगा है। अगर चार व्यक्ति ने काम किया है तो किस व्यक्ति ने कितना टाइम इसमें डिवोट किया है, कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा है, कितने रुपए का लगा है, ये भी हम उसमें क्या करते हैं, उसको अलग से कैटेगराइज करते हैं। और ये भी करेंगे कि मशीनरी चलाए तो उसका कितना डैप इस कैप के ऊपर लगा या इस मार्कर के ऊपर लगाया। तो यानी कॉस्टिंग का मतलब है ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हो ना, किसी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके प्राइस नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि कंपनी बढ़ाना नहीं चाहती, बढ़ाना चाहती है, उनको लॉस भी हो रहा है लेकिन वो नहीं बढ़ा पा रहा। रीज़न ये है कॉम्पिटिशन। तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ रहा तो मतलब वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में कमी करेगी, चाहे उसका पैकिंग बदल दे, चाहे उसके अंदर क्वांटिटी थोड़ा कम कर दे, चाहे क्वालिटी रिड्यूस कर दे, कुछ ना कुछ करके उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बेंचमार्क का हो तो कोई ना कोई तो उसके बराबर का होगा, हम उससे ज़्यादा कॉस्ट तो रख ही नहीं सकते किसी भी चीज़ का। अगर आपने कॉस्टिंग बढ़ाया तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, क्वालिटी वाइज होते हुए भी मार्केट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं अगर स्कूटी की बात करूं, पुराने वाले टाइम पे जो एक्टिवा एक स्कूटी आया करता था और जो अब है, बहुत फ़र्क है इसमें। रेट बढ़ा है लेकिन आप क्वालिटी में देखोगे ना, उसके अंदर जो आपके सारे मटेरियल यूज़ किए गए वो बहुत फ़र्क है उसमें। पहले बहुत हैवी हुआ करता था, मेटल बहुत उसका थिक हुआ करता था, मोटा, अब बिल्कुल पतला कर दिया। अब उन्होंने कॉस्ट कटिंग कहाँ से करा, बोला ये मेटल में तो ज़्यादा खर्च आ रहा है, प्लास्टिक का लगाओ। तो उसने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस किससे कर दिया, प्लास्टिक।
और कंपनी ने उसको एडवर्टीजमेंट में बोल दिया प्लास्टिक बेटर है। तो मशीन आवर रेट चैप्टर के अंदर क्या है, मशीन आवर रेट में हम मशीनरी को जब चलाएंगे तो एक घंटे मशीनरी को चलाने में उस मशीनरी पे मेरा कितना पैसा लगता है। जैसे मान लेते हैं एसी है, जब मैं एसी बाय करने गया तो मैंने बोला भाई बिजली का यूनिट क्या खाएगा, उसने बोला कि आप एक घंटे चलाओगे एक यूनिट जाएगा। मैंने फटाफट कैलकुलेट किया अगर एक यूनिट 10 रुपये का है तो मैंने बोला अच्छा एक घंटे एसी चलाऊंगा तो मेरा 10 रुपये का खर्चा होना है। ये तो किसका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी इसमें ऐड करूंगा एक घंटे का, उसके साथ साथ अगर कोई लेबर वगैरह लग रहा है तो वो भी मैं ऐड करूंगा, जो रिपेयर वगैरह हो रहा है सारी चीज़ें ऐड करूंगा ना। क्योंकि एयर कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपको 3-4 महीने में इसको क्या करवाना पड़ता है, हर बार सर्विस करवाना पड़ता है, तो वो भी खर्चा जोड़ूंगा। तो उसके बाद एस्टिमेशन लगाऊंगा कि एक घंटे में टोटली मुझे 14-15 रुपये पड़ जाता है। अब मुझे पता चल जाए मार्कर बनता है एक घंटे में और एक ले ले एक मशीनरी के ऊपर सारा खर्चा 14-15 आ रहा है, तो फिर मैं मार्कर का कॉस्ट अगर 10 रुपये मटीरियल का है तो 15 रुपये और ऐड करूंगा, तो मैं इसकी कॉस्टिंग कितनी रखूंगा, 10 तो मटेरियल और 15 अलग से कॉस्ट, तो मैंने सोचा कि 25 रुपये तो हुआ, अब इसमें क्या जोड़ूंगा मैं अपना प्रॉफिट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हर किसी का कॉस्ट जस्टिफाई किया जाता है। तो मशीनरी में हमें क्या क्या देखना है और क्या क्या खर्चे हैं जिसको हमें याद रखना है, इस चैप्टर को मैंने बोला पिछले चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, तो क्या क्या देखना है और क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले मशीनरी में मेजर क्या एक्सपेंसेस होता है, अगर मैं बताऊं तो एक तो मशीनरी जो खरीदते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है, खरीदने का खर्चा नहीं होता कभी भी, उसके ऊपर होने वाला डेप्रिसिएशन, तो एक तो डेप्रिसिएशन का खर्चा है। दूसरा, मशीनरी को चलाने के लिए ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर को क्या दिया जाता है, सैलरी, तो वो सैलरी का भी खर्चा देखेंगे। और क्या हो सकता है सर इसके अंदर, हर मशीनरी को चलाने के लिए दो तरीके के इंसान हो सकते हैं, एक जो बिल्कुल उस मशीनरी को जिसे बोलते हैं कारीगर है ये, वो चला रहा है, एक उसके साथ हेल्पर भी रखा जाता है कई बार, तो ये भी खर्चा देखेंगे। कई बार मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और कई बार मशीनरी पेट्रोल या डीजल के थ्रू, ज़्यादातर डीजल के थ्रू भी चलाया जाता है, तो उस पेट्रोल या डीजल का खर्चे को भी डिटरमाइन करेंगे। मशीनरी को वीकली मंथली साफ सफाई किया जाता है, ग्रीस ऑयलिंग वगैरह किया जाता है, आपने देखा होगा, जैसे उसे बोलते हैं हम लुब्रिकेंट ऑयल, उसको भी हम देखेंगे कि उसमें कितना खर्चा होने वाला है। तो ये सारे खर्चे मिला के उसके बाद मशीनरी मान लेते हैं कि कहीं भी रहेगा तो वहाँ पे मशीनरी हो सकता है कि एक मैंने एरिया लिया किराए पे, उस एरिया में 1/4 हिस्से में सिर्फ मशीनरी काम कर रहा है, तो 1/4 एरिया उस पर रेंटल इनकम कितना जा रहा है वो भी देखेंगे। उस मशीनरी के ऊपर कितने ट्यूबलाइट या बल्ब का फोकस्ड है, उस पर कितना बिजली बिल जा रहा है, दो तरीके के इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, जो ट्यूबलाइट का बिल है वो तो अलग हो गया और मशीनरी को जो चलाने में लग रहा है वो अलग हो गया। ये सारे खर्चे को हम देखेंगे और ऐड कर लेंगे और 8 घंटे मशीनरी चल रहा है दिन में, अगर मान लेते हैं एक दिन का निकाला, एक दिन में सारे खर्चे को ऐड कर लिया, मान लेते हैं 800 रुपये और 8 घंटे मशीनरी चल रहा है, तो पर आवर कितना खर्चा आ रहा है मशीनरी पे हमारा, 100 रुपये, तो इस तरीके से निकालना है। अब मशीनरी के खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है स्टैंडिंग चार्ज और एक होता है हमारा रनिंग चार्ज। तो क्या रहेगा इसका, कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल स्टेटमेंट बनाना है और बहुत ही सिंपल रहेगा, इसमें जो मेजर समझने वाला पॉइंट होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी होता है और कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन रहता है, जहां पे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में, यहां अमाउंट लिखा पर्टिकुलर और सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडिंग चार्ज, और स्टैंडिंग चार्ज को ही एक और नाम से जाना जाता है फिक्स्ड चार्ज। सर स्टैंडिंग चार्ज और फिक्स्ड चार्ज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या होता है, तो स्टैंडिंग चार्ज और फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है, मशीनरी को आप चलाइए चाहे मत चलाइए ये खर्चा आपका होना तय है, पक्का है। क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे आपका सैलरी, सैलरी, अब अगर आपने किसी को जॉब पे रखा है, आप बोल रहे आज मशीनरी नहीं चलाना, कल नहीं चलाना, परसों नहीं चलाना, तो वो सैलरी तो लेगा ही, बोला आपने नहीं चलवाया आपकी गलती है, सैलरी तो आपको देना ही देना है, तो सैलरी किस में आ जाता है हमारा, स्टैंडिंग चार्ज में। और क्या हो सकता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका पेमेंट होगा ही होगा,
आपने मशीनरी, चाहे आप मशीनरी को चलाइए चाहे मत चलाइए, जिस तरीके से आपने मान लेते हैं कोई टू व्हीलर परचेज किया है, कोई बाइक स्कूटी परचेज किया, इंश्योरेंस तो होता ही है उस टाइम पे। आप नहीं चलाओगे पूरे साल तो आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा रिन्यूअल उस टाइम नेक्स्ट ईयर। और क्या हो सकता है फिक्स चार्ज हमारा, रेंट। रेंट किस चीज़ की, रेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मशीनरी रखा जा रहा है, जगह की रेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी हमारा कौन सा खर्चा है, एक तरीके से फिक्स है, ठीक है। कई बार हमारा लाइट आ जाता है, लाइट पॉइंट होता है गिवन, तो वो भी हमारा काइंड ऑफ एक तरीके से फिक्स एक्सपेंस है, समझ रहे हो। तो फिक्स एक्सपेंस मैंने क्यों बोला इसको, या इसको मैंने क्या बोला, स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज फिक्स एक्सपेंस एक ही बात है कि मशीनरी अगर आपका नहीं भी चलता, बंद भी है, तब भी ये खर्चा होना तो फिक्स रहेगा। यहां से अगर हम करेंगे, एक कॉलम और ड्रॉ कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे इरेज करके फिक्स चार्ज को एफसी कर देता हूं यहां पे, ठीक है। फिक्स चार्ज एक कॉलम ड्रॉ करेंगे हम पर आवर, पर आवर एक्सपेंस निकालने के लिए, और ये टोटल रहेगा, ठीक है। यहां पे हमने टोटल कर लिया और इस टोटल को नाम दे देते हैं टोटल ए, यानी ए पार्ट में हमने जो भी कैलकुलेशन करा वो किस चीज के लिए कैलकुलेशन किया, बताओ, स्टैंडिंग चार्ज, फिक्स चार्ज। अब हो सकता है वो मंथली हो सकता है वो ईयरली हो सकता है वो वीकली हो, उस सबको कन्वर्ट करना तो हमें आता है कि अगर ईयरली डेटा गिवन है तो ईयरली के हिसाब से निकाल लेंगे, वीकली है तो वीकली, वो क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला होगा हमारा रनिंग चार्ज। रनिंग सर, रनिंग चार्ज जो है, रनिंग चार्ज का मतलब क्या होगा कि जब मशीनरी चलेगा तभी ये वाले एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। मशीनरी चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, नहीं चलाओगे तो नहीं होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को थोड़ा वर्ड चेंज करके पावर लिख देते हैं, क्योंकि मशीनरी में ना इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं लगता वर्ड, क्योंकि वहां हाई वोल्टेज करंट चाहिए होता है, तो वहां पे यूज होता है हमारा पावर। पावर की जगह पे आपका एक फ्यूल भी हो सकता है, वैसे जनरली फ्यूल होता नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो हम फ्यूल को भी पावर के तरीके से कंसिडर करेंगे। और क्या हो सकता है, रिपेयर, है ना। रिपेयर भी कब होगा, वैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो जैसे मान लेते हैं कि कोई मशीनरी ऐसा है जिसको हम यूज भी नहीं करते तब भी रिपेयर करवाना पड़ जाता है, लेकिन हम जनरली बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनरली रिपेयर का काम तभी होता है जब आप मशीनरी को रन करोगे, ठीक है ना। रिपेयर के अंदर आपका हर चीज आ गया, इसके अंदर कॉटन भी आ गया, साफ सफाई के लिए जो कॉटन यूज होता है, इसके अंदर ऑयल भी आ गया, यहां पे ऑयल भी लिख देता हूं, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड हो गई। और एक क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। अब कुछ बच्चे इस पे क्वेश्चन रेज करते हैं, सर डेप्रिसिएशन जो है ये तो फिक्स है, आप नहीं चलाओगे तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा। वो फाइनेंस के लिए फिक्स है, कॉस्टिंग में हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अलग तरीके से करना होता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, अगर अलग तरीके से है तो, डेप्रिसिएशन का होता है हमारा कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप, ये पहले भी देखा हुआ है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या फिर हो सकता है आवर एज पर क्वेश्चन डिमांड। ये क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला ये है, इन सभी खर्चे को करेंगे और जैसे ही सारा का सारा खर्चा होगा, ये टोटल हो गया हमारा क्या, टोटल ऑफ बी। अगर मैं मशीन आवर रेट पूछूंगा टोटल आपसे, तो ए और बी के खर्चे को जोड़ दोगे, हर एक घंटे का आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन मुद्दे की बात है, ये अमाउंट में लेके चलना है आपने। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा लॉजिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी तो सिंपल से समझ में आया, एक ये खर्चा हो गया, ये खर्चा, दोनों को जोड़ दिया। मान लेते हैं ये खर्चा आ गया हमारा 5,000 और ये खर्चा आ गया मेरा मान लेते हैं 8,000, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंस हो गया 13,000, है ना। अब मैंने बोला मेरा मशीनरी जो है वो
एक महीने का निकालना है आपने, और ये खर्चे भी मैंने एक महीने का ही लिखा है, और मशीनरी मैंने बोला एक महीने में 1300 घंटे चलेगा, सपोज करो एक महीने में 1300 घंटे या एक महीने में 500 घंटे चलाते हैं मशीनरी को, तो पर आवर रेट बताओ। तो आप बोलोगे सर 1300 रुपये तो खर्चा हो रहा है पूरे महीने में, और आप मशीनरी कितना चला रहे हो 500 घंटे, समझ रहे हो ना बात को। 1300 खर्चा कैसे हुआ, 13000 है, कैसे हुआ 5000 और 8000 जोड़ लिया आपने। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि आपने मशीनरी को, ये कितने महीने का खर्चा है एक महीने का, और आपने मशीनरी को महीने में कितने दिन चलाए ये बता दो, तो हम एक घंटे का खर्चा बता सकते हैं। तो मैंने बताया 500 घंटे, तो 500 घंटे से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जैसे 13000 डिवाइडेड बाय 500 तो ये 26 आ गया, तो 26 रुपये एक घंटे का मशीनरी पे क्या आ रहा है हमारा कॉस्टिंग आ रहा है, जो एग्जामिनर को बताना है, ठीक है ना। तो यानी अगर पर आवर रेट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, पर आवर रेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, पर आवर रेट क्या होगा, टोटल टोटल कॉस्ट है ना। अब टोटल कॉस्ट किसे बोलोगे बताओ, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर, एचआर कर रहा हूं मैं आवर को, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें समझना है दो बातों पे फोकस करना है, एक फोकस करना पड़ेगा हमें पावर के ऊपर, मैं स्टार बना देता हूँ जिसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन में मेजरली आपको थोड़ा सा रहता है कि ये कैसे निकालें, दूसरा आपको प्रोडक्टिव आवर। सर ये प्रोडक्टिव आवर होता क्या है, उस टाइम में जिस टाइम में आपका प्रोडक्शन हुआ है उसी को प्रोडक्टिव आवर बोलेंगे। तो सर प्रोडक्टिव आवर किस तरीके से, थोड़ा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एक दिन का मैं ले लेता हूँ, ये पूरा डे है हमारा, 8 घंटे का पूरा डे का रोटेशन है हमारा, ठीक है ना। वर्कर आया, 8 घंटे का है हमारा पूरा दिन, वर्कर आया तो वर्कर आते ही काम नहीं करेगा, पहले थोड़ा वो क्या करेगा, आते ही उसने साफ़ सफाई किया थोड़ा, चलो अब काम स्टार्ट करेंगे, और उसे रहता है अब तो 8 घंटे काम करना ही है, तो आते ही काम नहीं करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे उसने हाफ आवर 1/2 आवर्स उसने क्या करा, बेकार कर दिया। और ना काम करने के एक और वजह हो सकता है, क्या पता मशीनरी ऐसा हो जिसे आधे घंटे पहले खाली चला के छोड़ना हो, तो कुछ मशीनरी होता है ऐसा, आपने देखा होगा कई बार बाइक चलाते हुए ठंड के टाइम पे अक्सर देखोगे आप कि स्टार्ट करके थोड़ी देर वो छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा आप उसको इंजन को थोड़ा सा गर्म कर लोगे ना तो उसकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए करते हैं वो। सेम कुछ कुछ ऐसी मशीनरी भी हो सकता है कि भाई एकदम से ऐसा नहीं कि मशीनरी ऑन किया और डाल दो मटेरियल और निकाल लो, आपको कम से कम 10-15 मिनट पहले इसको चलने दे, इसका सारा जो है पार्ट्स वो अच्छे से स्मूथली वर्क करे, तब आप मटेरियल डालना, तो वहाँ पे भी रीज़न हो सकता है ना वेस्ट होने का। तो ये आधे घंटे ख़राब किया। लंच जब होता है ना तो वर्कर 20 से 25 मिनट पहले ख़त्म, काम नहीं होगा, अब लंच होने वाला है, आपने देखा होगा। तो अगर मानते हैं लंच की बात करें तो लंच में स्टार्ट होने से पहले 20 से 25 मिनट ख़त्म, और खाना लंच चल रहा है उसमें हाफ आवर या 1 आवर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो ख़त्म, और फिर लंच के बाद आने के बाद भी 15 मिनट उनको रेस्ट चाहिए। आप कभी वर्कर से बोलो भाई लंच कर लिया फटाफट काम करो, कल से नहीं आऊँगा मैं, साफ मना कर देगा, वो आएगा थोड़ी बहुत बातें करेगा थोड़ी बहुत तो वर्कर का ये नेचर है, आप वर्कर को 8 घंटे काम नहीं करवा सकते। ये हम लेबर वाले चैप्टर जब होगा ना तब पढ़ेंगे इसको, स्टडी करेंगे कि वर्कर कहाँ कहाँ समय अपना बर्बाद करता है और हमारा नुकसान कहाँ कहाँ होता है। तो मान लेते हैं कि 1 आवर लंच में भी ख़त्म हो गए हमारे, इस टाइम कोई प्रोडक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। आधे घंटे यहाँ ख़त्म हो गए, क्या इस टाइम कोई प्रोडक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। और इसके बाद जब छुट्टी होने वाला होता है तो छुट्टी होने से पहले भी वो कम से कम 20 मिनट ख़राब करते हैं, मान लेते हैं आधा घंटा यहाँ ख़राब कर लिया उसने, ख़राब करने का इन द सेंस अब तो 8 बज के अब थोड़ी होगा, अब मटेरियल डालेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, तो ऐसे ही ऑफिस का टाइम हो गया, अब हो ही नहीं सकता ये, तो हाथ वाथ धो के कपड़े उपड़े पहन के रेडी होके चलो। तो देखा जाए तो 8 घंटे दिन के जरूर अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्शन कितने टाइम में किया भाई तुमने,
सिर्फ 6 घंटे में, क्योंकि ये 2 घंटे तो आपने वेस्टेज कर दिया ना। अब ये 2 घंटे जो आपने वेस्टेज किया है इसे बोलेंगे अनप्रोडक्टिव आवर्स। और यहां पे आपको 2 चीजें पता चला, एक पता चला प्रोडक्टिव आवर और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव आवर आपने बोला सर 6 घंटे और अनप्रोडक्टिव आवर 2 घंटे। हमें डिवाइड किससे करना है? प्रोडक्टिव टोटल आवर से कभी डिवाइड नहीं करना। क्वेश्चन में बोलेगा आपको हर बार कि सर इसके अंदर इतना पार्ट हमारा प्रोडक्टिव आवर है, इतना पार्ट अनप्रोडक्टिव आवर है। या क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बोलेगा वर्कर इतना टाइम वेस्टेज कर देते हैं। अब मुद्दे की बात, एक और बात सुनना, कई बार अनप्रोडक्टिव आवर में भी प्रोडक्शन हो जाता है। कैसे? मशीनरी के अंदर हमने मटेरियल डाल दिया, अब पता है कि ये 1 घंटे तक मशीनरी रन करेगा और ये मटेरियल डाल दिया, ये पूरा सर्कुलेट 1 घंटे का चक्कर लगेगा, चलो लंच करके आ जाते हैं। लेबर तो चला गया लंच करने लेकिन मशीनरी तो चल रहा है ना, तो क्या वो आवर अनप्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है। वो सारी बातों को एक एक हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर देगा, उनको सोच के करना है। मैंने बताया सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको होगा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्टिव आवर से कोई लेना देना नहीं है। अब इस ड्यूरेशन में आप देखोगे 8 घंटे में आधे घंटे तक मशीन ऑन था, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मान लेते हैं लंच में वो बंद करके नहीं गया, यहां भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ। मान लेते हैं उसने जब जाने लगा वो बिल्कुल टाइम देखते ही फिर उसने स्विच ऑफ किया, यहां भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ। तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे सर 8 घंटे काम हुआ है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी निकालने के लिए 6 घंटे काम हुआ है, यही बोलोगे ना। अब इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला कि भाई 1 घंटे में 1 रुपए का खर्चा आता है, तो आप कितने से इंटू करके इलेक्ट्रिसिटी निकालोगे? 8 से। समझ में आई बात आपको? लेकिन अगर मैं इसका बताऊं तो ये कितने आवर से कैलकुलेट होगा हमारा? 6 से होगा मैक्सिमम केस में। तो इस चैप्टर के अंदर मेजरली क्या सीखना है हमें? मशीन आवर रेट। और मशीन आवर रेट में क्या है हमारा? एक है स्टैंडिंग चार्ज और एक क्या है हमारा, इतना ही चैप्टर है। कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए चाहे 15 नंबर का, बनेंगे इतने स्टेप और होंगे इतने ही पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट भी नहीं होगा। बस ये हो सकता है आपको 2 मशीनरी दे दे, एक स्मॉल और एक लार्ज मशीनरी दे दे। तो 2 मशीनरी देगा तो हम कितने कॉलम ड्रॉ कर लेंगे? 2, एक में स्मॉल एक में लार्ज कर लेंगे, उस तरीके से कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बोल सकता है 2 अटेंडेंट है, 2 अटेंडेंट के साथ साथ सुपरवाइजर भी है, क्योंकि एक मशीनरी को अगर 3 पर्सन मिलकर चला रहे हैं ना तो एक और रख देते हैं सुपरवाइजर, देख ये तीनों काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो सुपरवाइजर की भी सैलरी है। तो सुपरवाइजर की सैलरी किस में चला जाएगा? स्टैंडिंग चार्ज में। मान लेते हैं एक सुपरवाइजर 5 मशीनरी को देख रहा है और हमें एक मशीनरी का पूछा जाएगा, तो उसके सैलरी को कितने से डिवाइड कर देंगे? 5 से, और यहां हम डाल देंगे। समझ में आए? तो बहुत बेसिक सा और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा फोकस किस पे करना पड़ेगा हमें? पावर पे। तो हम क्वेश्चन देखेंगे एक बार फटाफट से, फॉर्मेट नोट करिए, फिर हम इसके अंदर प्रोडक्टिव आवर और अनप्रोडक्टिव आवर के कुछ क्वेश्चन अगर अलग से मिलता है तो वो करते हैं हम।